काफ़ी सारे नॉमिनेशन है हमारे और मतलब थोड़ा कुछ तो दो चार तो शायद मिलेगा पता नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ आई एम हैप्पी दैट वी आर नॉमिनेटेड, बस और कोई ऐसा दूसरे एक्स्ट्रा लालच नहीं है। Well, content is always the king. It's just that this time the content also got big box office numbers, you know. So that's good. That's bad. Now, how do you feel? Like, you are a man of content, but number is what another gave you. Nahin, the pressure is only that can you make get as much love and make as good a film. You know, that pressure will always be there. But then every time you have to make sure you are starting again. You have to start like a humble student. You know, so. मेरी अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है दो प्रोजेक्ट की, एक थोड़ी एक बड़ी वॉर फिल्म है और दूसरी एक छोटी फिल्म है जो मेरे टाइप की फिल्म है। जो दूसरी है वो मतलब एक अलग, मैं पहली बार कर रहा हूँ इस टाइप का, इट्स अ वॉर फिल्म, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ अभी उसके बारे में। फिलहाल तो नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किसी चीज़ में मैं घुसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली जब तक फिल्म चल रहा है और मतलब फिल्म मेरे को फिल्म इज़ माई मेन प्रायोरिटी। वेब सीरीज़ में कभी कभी देखता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पेशेंस नहीं कि मैं मतलब चार सीजन देखूँ एक चीज़ का, है ना, बनाने की। तो अभी फिलहाल तो दूर की बात है। थैंक ये गंगन पिक्चर देखा कि नहीं सर का? ऊंचा बोलना पड़ेगा। आपको भी बधाई हो। हाँ, खाना क्यों नहीं खिला रहे हो इनको? इतनी मेहनत करा रहे हो पूरा दिन से। ओके। मेरे लिए बहुत ही ये रोमांचक अनुभव रहा बधाई हो का, बधाई हो की शूटिंग के दौरान, और बधाई हो की जो कुछ जो सक्सेस मिली है और बधाई हो को जो ऑडियंस ने पसंद किया है वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मार्च 2018 में मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का रेड कारपेट होगा, ऐसे अलग अलग खूबसूरत स्टार्स होंगे और उनके बीच में मुझे खड़े होने की जगह मिलेगी। तो मैं ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस फिल्म को सराहा, बधाइयों को सराहा, अंधाधुन को सराहा, स्त्री को सराहा, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को उन्होंने पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये वैसा वाला है कि बिफोर बधाई हो एंड आफ्टर बधाई हो, ADBC होता है ना, वैसे वाला है ये। मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ तो अभी तक कुछ चूज नहीं किया, एक दो प्रोजेक्ट हैं
तो होपफुली अगले एक दो महीने में कुछ लॉक करूँगा। थैंक यू थैंक यू How's it going? यार मैं excited इसलिए हूँ because मैं last year भी आई थी और मैं award जीती थी, तो मेरी पुरानी memory सारी revise हो रही हैं। I have a lot of respect for these awards because these awards are different. और यार बस I will be happy जीते हुए देखना चाहती हूँ लोगों को। जी इस साल से क्या उम्मीद है कि बस मैं 5 फिल्म में साइन कर डालूँ, ये उम्मीद है एक साथ। डेफिनेटली नॉट समथिंग लाइक सीक्रेट सुपरस्टार, समथिंग डिफरेंट, प्रॉब्ली नेगेटिव पॉजिटिव, यू नो डिफरेंट कैरेक्टर्स। थैंक यू यार, क्या बताऊँ मैं, मतलब बड़ी अनकंफर्टेबल हूँ मैं पहन के, बट एवरीबडी सेइंग इज लुकिंग गुड, सो या थैंक यू सो मच, जस्ट समथिंग स्पेशल फॉर द स्पेशल अवार्ड्स। यस पिक्चर लेना है, पिक्चर लेना बताओ, क्लोज करना है। हाय, आज की शाम में माय वर्क हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द कॉस्ट्यूम्स फॉर लव सोनिया एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग। आई हैव नॉट बीन फॉर अ फंक्शन लाइक दिस बिफोर, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। लव सोनिया के बाद अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं दे आर इन द पाइपलाइन। I am doing another film with Tabrez Noorani and David Womack, and they have not yet decided the name of the film. ऐसे क्या राइट कर रहे हैं।
सॉरी व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई होप दैट ऑल द वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स हु आई एम वेरी मच इन ऑफ गेट द प्राइजेस दैट दे डिजर्व गेट द अवार्ड्स दैट दे डिजर्व नॉमिनेट किया गया मुझे मंटो के लिए मिलता है कि नहीं नहीं पता जी थैंक यू सर थैंक यू कॉटन साड़ी है और रेड कार्पेट में आजकल सस्टेनेबल फैशन का दौर चल रहा है तो हमें कॉटन चीज़ें पहननी चाहिए जो ऑर्गेनिकली बनी गई हैं तो वो है जी वो एक्चुअली ऑलरेडी आ गया है फ्राइडे को आया नेटफ्लिक्स पर और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम सबको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डायरेक्टर ने बताई है ये कहानी और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत दे आर वेरी मूव्ड बाय व्हाट दे आर सीइंग सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एक्चुअली 2019 में दिल्ली क्राइम तो अभी आई ही है इसके पहले मेरी एक फिल्म आई थी हामिद जो कश्मीर में शूट हुई थी कश्मीर इशूज़ पे बेस्ड है और अभी एक और फिल्म आ रही है थोड़ा नया है मेरे लिए थोड़ा कमर्शियल फिल्म है थोड़ा कॉमिक्स बेस्ड में है दोनों मेरे लिए नई चीज़ें हैं और फिर मिर्ज़ापुर सीज़न 2 और दिल्ली क्राइम सीज़न 2 आज मुझे मंटो के लिए नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कभी मिला नहीं तो मैं बता नहीं सकती लेकिन इट इज़ एन ऑनर इट्स वेरी आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माय वर्क इज एक्नॉलेज एंड इतने सारे दिग्गजों के साथ मुझे नॉमिनेट किया गया है तो दैट इज़ ऑलरेडी एन ऑनर फॉर मी अब अवार्ड मिले या ना मिले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता थैंक यू Thank you.
like an award myself. Shantanu Nikhil ne ye outfit design kiya hai. It's inspired by a sari and it's absolutely beautiful. Well, I am really looking forward to tonight because I am on the jury. It's been an incredible experience working with the jury members on identifying the talent, both in the technical side and also the performers. This past year has been phenomenal for films that are below 25 crores. क्योंकि ये फिल्में जब बनती थी पहले तो उनकी ऑडियंस छोटी हुआ करती थी और पहली बार इतनी तादाद में इतनी सारी फिल्में जो छोटी बजट की बनी हैं इतना बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने धूम मचाया तो वही फिल्म आज यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं और जैसे कि हम जानते हैं रील अवार्ड्स इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा जो फिल्में 25 करोड़ से कम में बनती हैं उन्हें सेलिब्रेट करना और खुशी की बात यह है कि ऑडियंस भी इन्हीं फिल्मों को सेलिब्रेट कर रही है आई एम वेरी कंफर्टेबल मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो शुरू करने वाली हूँ 1st of April से इनफैक्ट हिमाचल के लिए निकल जाऊँगी मैं इस वक्त हमारे वर्कशॉप्स और रीडिंग्स चल रहे हैं ये जो शो है एक ट्रू लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है और जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही खूबसूरत है और मैं इस शो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ ड्रामा हाय कैसे हैं आप बहुत बहुत मेरी ब्यूटीफुल आउटफिट नीता लूला की है और एक ड्रेप साड़ी है और अलग तरह की है विद गट्स एंड आई रियली लाइक वेयरिंग हर स्टफ मुझे लगता है आज की शाम में बहुत सारा टैलेंट एक साथ है और ऐसी शाम में नॉमिनेट होना अपने आप में एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात है अच्छा लग रहा है कि मेरी फिल्म ब्लैकमेल के लिए मुझे हर अवार्ड में नॉमिनेट किया जा रहा है और रील अवार्ड्स नए हैं और कुछ अलग तरह के अवार्ड्स हैं तो मेरे साथ जितने भी एक्ट्रेसेस हैं बहुत कमाल की हैं सो आई एम जस्ट वेटिंग आप मुझे इस साल 6-7 फिल्मों में देखेंगे जो एक के बाद एक रिलीज़ होंगी सो दिस शुड बी अ गुड ईयर अच्छा साल है और अच्छा काम करने की कोशिश है और ये 7-8 बड़ी अच्छी अलग सी तरह की फिल्में हैं और आज की शाम आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द प्रीवियस वर्क दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड टुडे यस बहुत बढ़िया जितना वक्त मेरे पास होता है हाँ
कि अगर 5 मिनट है तो उसमें ही तैयार होके भागता हूँ। सुनना इधर है, बोलना उधर है। ठीक है। हाँ हाँ, कुछ नहीं, मैं खुश हूँ, नॉमिनेशन है, आई एम हैप्पी अबाउट इट, और जिन लोगों का भी नॉमिनेशन है मैं अपनी शुभकामना उनको देता हूँ, बाकी जो होगा अच्छा होगा। हाँ हाँ, 2019 में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक फिल्म है, उसके बाद आधार आएगी जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, एक शो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, काफ़ी अच्छा शो है, उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वो भी इस साल आएगा। उसके बाद मुझे लगता है सांड की आँख, तो 3 फिल्में हैं और एक शो है। हाँ पता नहीं, अभी सब कुछ बताऊंगा तो ठीक नहीं है, फिल्म जब आएगी तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, फिल्म में झोल नहीं है। अभी ये सारी चीज़ें बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी, जब फिल्म रिलीज़ होगी तो खूब सारी बात करेंगे। हाँ हाँ, जब फिल्म रिलीज होगी, आधार जब रिलीज होगी, उसके बारे में खूब बातें की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। What am I expecting tonight? I'm not the one who's expecting. The nominees are the ones who would be expecting. But I expect a great night. Always like an award function is always very exciting because, you know, it's a game of suspense. There are a lot of people who are nominated and one of them is going to be a winner. So it's always very exciting to be part of any award. And I don't think any award is big or small because every award is important. And I think it's just a reassurance for the actor that he has done good work and the audiences have liked him. My first red carpet walk would be definitely hands down my first film Utsav, which Shashi Kapoor ji had produced. It was a massive film, and I remember that the first day of the shooting, when I'd gone out and there was like a battery of photographers out and journos and stuff like that. They were not known as paparazzis then, and I found out they were like the Time magazine and Harper's and Queen and Bazaar. There's a whole international press. It's almost like a red carpet. But the first premiere of my film was obviously the most memorable and the most beautiful, and this was at the Metro Theatre in Bombay, and Rekha ji was the heroine, late Shri Raj Kapoor ji was there, Shashi Kapoor, Girish Karnad, and the whole lot of them, Shankar Nag, and so I had to walk the red carpet, and I was walking as the lead actor, as the hero of the film, so I was like really nervous. But I do remember that, it was probably, I remember it as one of the best moments of my life. Like Utsav being a special film of my life, that red carpet I still remember, yes. देखिए, इस पे पिछले 5 साल से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में जाने कितने जर्नलिस्ट और कितने लोग वहशियों की तरह लड़ते हैं टेलीविज़न पर रोज़, जिनकी बातें कभी न सुनाई देती हैं न समझ में आती हैं, पर लड़ते रोज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एंकर है, जो भी होता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो सबसे होशियार होता है। वो जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाया करते थे, उसमें से एक आध घायल हो जाते, 2-3 मर जाते थे, और नवाब जो है बैठ के तमाशा देखता है।
हैं, तो नवाब का नाम भी होता था, उसका राज्य साम्राज्य भी फैलता था। उसी तरह एंकर जो बेवकूफ़ बनाता है, लोगों को बुलाता है, लड़ाता है, और लोग कुत्तों की तरह लड़ते हैं, और कोई किसी की बात नहीं सुनता है, कोई किसी की बात नहीं समझता है, और उस चैनल का TRP बढ़ता है। अब उसमें यही नहीं पता चलता है कि वो पक्ष के लिए बात कर रहे हैं या विपक्ष के लिए बात कर रहे हैं। पर एज अ सिटीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, और उनका एक फोकस है। पर कोई ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जब अच्छा काम करे कि तो उसके इर्द गिर्द के सारे लोग भी अच्छा काम करें। हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हुई होंगी, और हर किसी सरकार से गलती होती है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो। विपक्ष का काम है विरोध करना, और सही आधार पर विरोध करना, वो कर रहे हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई थी, कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंततोगत्वा ये होता है कि जो एक नागरिक है या जो वोट डालता है, जो एक साधारण आम इंसान है आपके और हमारे जैसा, वो ये देखता है कि एक टोटल एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उसको ही मद्देनज़र रखते हुए लोग वोट देंगे। देखिए, जो हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, अगर आप जो भी करें, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो CBI, जो हो, वो एक विवाद के दायरे में आ जाता है, क्योंकि उसके दो पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष जो रूलिंग पार्टी है वो दिखाना चाहती है, और एक वो जो ऑपोजिशन दिखाना चाहती है। तो आम आदमी दोनों पक्ष देखता है, अब उसको निर्णय करना है ये कौन सही है कौन गलत है। तो ये जो इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि इट्स द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। इस इलेक्शन में घमासान युद्ध, मतलब महाभारत में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, रामायण में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, जो युद्ध यहाँ होने वाला है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमें सोच समझ के वोट डालना है कि हमारे लिए, हमारे हित में कौन है, हमारे हित के लिए कौन काम कर रहा है, उसी के लिए वोट डालना। जी, कुछ नए सवाल हैं? अच्छा, देखिए, इस तरह की शाम में आपको खुशी ही चाहिए होती है और खुशी ही मिलती है आपको। इट्स अ अवार्ड फंक्शन एंड इट इज़ अ यूनिक अवार्ड फंक्शन बिकॉज इट सपोर्ट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ बजटेड सिनेमा। So I have been here last time also and I'm here this time and I'm hoping to have a great evening and see the work of other people. Thank you. मैं मेरा भी रिकॉर्डिंग रखूं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं सेल्फी लेने का। एक तो मैं सेल्फी में इतना बकवास लगता हूँ,
वैसे भी नॉन सेल्फी में भी सही नहीं आता हूँ, लेकिन सेल्फी में और बुरा आता हूँ। मुझे सेल्फी का कोई शौक नहीं, लेकिन क्या है, सेल्फी का ज़माना है, लेते जाओ स्माइल। ये फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर है वहाँ, ये मुझे देखने तो दो ना भाई, मुझे कैसे मालूम अच्छी आई, जब तक देखूँगा नहीं अच्छी आई मुझे क्या मालूम। ये जो फोटोग्राफर है आपका, वो फोटो लेते वक्त इतना स्माइल करता है, कैमरा के नीचे इसके दांत दिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो स्माइल करेगा तो मैं स्माइल करूँगा ना। गुड बॉय। यार नाम क्या है बेटा? श्रेयस। पूरा नाम बोल। कट करे। देखिए, गए साल मुझे इनवाइट किया गया था, राजीव मसंद ने कहा कि ये हमारा मकसद है इस रील अवार्ड का, और वो मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे फिल्में आती हैं जाती हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनती है लेकिन कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, या बनाते वक्त मतलब थोड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या जो भी, उसे इंडी फिल्म्स कहते हैं, और वो इंडी फिल्म का चैम्पियन कोई नहीं था। तो ये अवार्ड्स फंक्शन को इंस्टीट्यूट किया गया, मैं था लास्ट ईयर, आई थिंक मैंने पहला अवार्ड मैंने दिया, इस साल में भी अवार्ड देने आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी। हाँ बोलिए ना। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे आप बताएंगे तब पता चलेगा। मुझे सचमुच, मुझे दस 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 साल से पूछ रहे लोग मुन्ना भाई का क्या स्टेटस है, 10 साल से मेरे पास जवाब नहीं, तो ये साल जब पता चलेगा आपको बता देंगे, अभी तक कुछ न्यूज नहीं है। आई थिंक एक एक्टर के लिए एक अवार्ड क्या मायने रखता है, आई थिंक एक्टर को पता होता है कि उसने काम कैसे किया, फैमिली फ्रेंड्स और जो भी उनके चाहने वाले सच सच बताते हैं कि देखो इसमें आपने अच्छा काम किया। कभी कभी अवार्ड मिलता है, कभी कभी अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है अपने कम्युनिटी से तो एस्पेशली फॉर एक्टर्स जो बहुत तकलीफ़ें से तकलीफ उठाकर जो पिक्चर जब बनाते तो एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है, और वो इंकरेजमेंट है ना, एक ओनली वन अवार्ड डजंट डू इट बट इट गोज अ लॉन्ग वे। आई थिंक एक्टर को अच्छा लगता है लेकिन उसकी फैमिली को और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी मुझे भी जब अवार्ड मिलते थे तब मेरी माँ सबसे ज़्यादा खुश होती थी। आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी दैट। I'm at an awards function. I'll call you after the awards function, okay? I'm with press. We are talking about the same thing we were talking about last time, right? Yeah, okay, sir. Okay, I'm in the front. Left and right? Hi, sir. Hello, hi. Anna. Hi, Anna. How are you doing? Very good, nice sir. To meet you. I'm a huge fan of your business. Yeah, I'm very good. Okay? अभी उस तरफ कैमरा को मेरा हो गया। संजय के बाजू में देखो। चालू हो गया, बाइक लेना बराबर चलो, चालू हो गया। आएगा मुक्का मारेगा तुझे। अरे सारे मेरे लड़के बैठे हैं। क्या ग्रीन मेविन, ग्रीन ब्यूटी, ये क्या होता भाई? हरियाली टिक्का, हरा भरा कबाब, उसको भूख लग रही है। हाँ इसीलिए उसे हरे भरे कबाब में तो कूदा है वो। है ना, करेक्ट है ना, बस यही करना था।
अरुण खाना अच्छा होना चाहिए, है ना? उम्मीद तो वही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं कुछ नहीं यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छी नॉमिनेशंस हैं, एक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे वो लोग हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है और मैं देखना चाहूँगी कौन जीतता है और जो हारेगा वो मेरे साथ बार पे एक ड्रिंक। नहीं यार आज अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनेट ही नहीं हुए ढंग का काम नहीं किया शायद लास्ट ईयर, आई हैव नो आइडिया, अंदर जाके ऐसे बम फूटेगा। ओ क्यों हरियाली टिक्का मिला तो खुश नहीं होंगी? नहीं मैं अभी पंजाब से वापस आई हूँ ना, तो खाना बहुत अच्छा था वहाँ पर, मैंने एक महीने जो दबा के खाना खाया है। हाँ ये भूखा आदमी है, देख लिया तुमने? मैंने नहीं देखा, मुझे देखना है। तो मैं शिमला में शूटिंग कर रही थी, बायोकॉम का एक नया शो है उसकी शूट चल रही थी और शिमला में -3 degrees था और बॉम्बे में 33 degrees है, तो इतनी बर्फ़ भरी जगह से आकर मैं बॉम्बे की गर्मी में, तो उसका शूट चल रहा था, बहुत अच्छा शो है, शो का नाम है मर्जी और काम चल रहा है उस पर। रोमांटिक वोमेंटिक नहीं करती हूँ, सब मतलब मुद्दे वाले काम करती हूँ, मुद्दे भरा शो है, मुद्दे का शो है, अच्छा शो है, तुमको पता चल जाएगा, मैं अभी बोलूँगी तो बायोकॉम वाले आएंगे मेरे पीछे। हेलो मैं तो बस अवार्ड देने आई हूँ, तो ये उम्मीद रखती हूँ कि जो सही कैंडिडेट हो उसको अवार्ड मिले। मैं एक्चुअली अपनी फर्स्ट फिल्म एज ए डायरेक्टर एंड राइटर बना रही हूँ अभी, रोम रोम में, जिसमें नवाज़ है, नवाज़ुद्दीन है लीड रोल में और इटालियन एक्ट्रेस है वैलेंटिना कोटी। तो हमने रोम में शूट किया इस फिल्म को और अभी मैं एडिट कर रही हूँ, म्यूज़िक पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसको, तो जल्दी हम लोग वो फिल्म रिलीज़ करेंगे। हाँ ये किस तरीके की फिल्म है ये तो फिल्म देखने पे आपको पता चलेगा जब ट्रेलर रिलीज़ होगी, अभी मैं उसके बारे में कहानी या जॉनर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही कि फिल्म का नाम रोम रोम में है और हमने रोम में शूट किया इस फिल्म को और काफ़ी सारे इटालियन कास्ट है। ये आप फिल्म देखिए फिर आप बताएँ, इटालियन कास्ट है, नवाज़ है, मैं भी हूँ उस फिल्म में, ईशा तलवार है, सो काफ़ी एंसेंबल कास्ट है। थैंक यू। खाली पूरा भीड़।
हेलो आज अवार्ड्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं विनर्स एंड लूजर्स नहीं लूजर्स कुछ नहीं होते अवार्ड इज सेलिब्रेशन ऑफ ऑल ग्रेट फिल्म्स बीइंग सेलिब्रेटेड बीइंग अप्रिशिएटेड ऑल द इनक्रेडिबल टैलेंट दैट हैव मेड फिल्म इन द लास्ट ईयर कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट व्हाट दे हैव डन एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई लाइक दैट दिस इज सेलिब्रेटिंग द मोर सो कॉल्ड सब्सटेंस सिनेमा विच आई फील इज द रियल सिनेमा सो या मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ मैं यहाँ पर सबके लिए ताली बजाना है जी हाँ हाउ मच आई बिलीव इन इट मतलब बेस्ट एक्टर मल्टीप्लेक्स बेस्ट एक्टर सिंगल स्क्रीन बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे कैटेगरीज होने के लिए बट आई थिंक बेस्ट एक्टर क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं एक साल में और ये थोड़ा सा डेटेड हो गया है कि पहले पैरेलल फिल्म्स और कमर्शियल फिल्म्स में एक पहले दरार थी एक डिस्टेंस थी अभी वो नहीं रही है आई थिंक दे कैन ड्रॉप दैट कैटेगरी They celebrate films under 25 crores. So many films that often get lost in the bigger award functions. So I'm really happy to be here. I've got invited from Mr. Rajiv Masand, which is great. I'm very happy to be here. मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके अ लॉट ऑफ वर्क वेंट इन टू द शो एंड इन टू जस्ट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी सो फाइनली वेन इट कम्स आउट एंड इट डज वेल आई फील वेरी मोटिवेटेड आई एम लाइक कुछ तो अच्छा कर रही हूँ लाइफ में थैंक यू आई एम वेयरिंग इंडियन वेयर फ्रॉम इकाया बनारसी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ब्रांड एंड माय मदर्स इयररिंग्स Which she doesn't know about. Season 2, I hope it happens. So it's in our contracts that there are 2 seasons. So I haven't heard. I'm as excited as anybody else is. I think they're still ideating at the script level. Response is bahut acha hai. Social media has been bombarded with, you know, टू माई पर्सनल अकाउंट बट मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है कि एज एनर्जाइजिंग एज इट इज आई ऑल्सो नो इट्स वेरी फिकल सो आई एम जस्ट मोटिवेटेड आई जस्ट होप दिस ब्रांच इज इन टू गुड वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर मी ताकि मैं और कर सकूँ अच्छा थैंक यू दिस वे
some beautiful stuff is gonna get awarded, rewarded for whatever they have, you know, presented. And yes, that will be really commendable. Nothing expected, nothing from me. We're having fun. We were having fun. Oh, they are such wonderful children, actually. Yes, they are children to me. And they are awesome. They have so much of energy and looking forward to do so much stuff. And it's fun. Hey, Vijay. क्या बात है बिल्कुल कौन बोल रहा है और ये बात कौन बोल रहा है स्टार कौन बोल रहा है मैं बहुत बढ़िया किसी एक्टर स्टार वर्ल्ड में कोई है हाँ मैं हूँ 365 दिन हाँ मैं 2 महीना किया भी ना हाँ लेकिन अच्छा तूने अपनी तरफ से थोड़ा उधर से भी था थोड़ा इधर से भी था ओह मैम ग्रेट 6-8 महीना साथ में काम हाँ 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 लंबा है बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है हाँ अरे वाह वाह मज़ा आया चलो बाबा हम इनके सवालों का जवाब बोल भाई हाँ मैं करता हूँ ये प्रवचन दे के निकल लूँगा जल्दी करो मुझे अगर मेरे प्रोड्यूसर देंगे तो पैसा किसको ख़राब लगता है पैसा और प्यार जितना भी मिले ना कम लगता है तो यस किसके लिए वो तो चैनल अनाउंस करेगा ना मुझे क्या मालूम मैं तो अभिनेता हूँ वो तो आप नेटफ्लिक्स अमेजोन को पूछो ठीक है थैंक यू भाई मेरे जाने दो भूख लगी क्या हाल चाल है जनाब आपके क्या बात है सॉरी वाज दैट एक्सपेक्टेशंस यार अवार्ड सीजन इज ऑन एंड टचवुड यू नो आई बीन नॉमिनेटेड इन मोस्ट ऑफ द अवार्ड फंक्शन अवार्ड शोज फॉर थ्री एंड टचवुड आई हैव हैड अ गुड ईयर एंड एंड भैया हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर सो आई वाज जस्ट टेलिंग देम द सेम कि हाँ दोनों की कहीं ना कहीं नॉमिनेशन होती हैं और अगर दोनों की है तो एक आधा अवार्ड भी घर आ जाता है तो दोनों हैप्पी हो जाते हैं नहीं 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 रेस कभी नहीं है यार आई थिंक एज चाणक्य सेज दैट यू नो कंपैरिजन और कंपटीशन कैन ओनली ओनली बी अमंग्स इक्वल्स एंड आई हैव टू बी इक्वल टू हिम फर्स्ट टू बी इन द रेस एंड आई थिंक वी बोथ हैव बीन इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस इन लाइफ टचवुड हेंस देयर आर नो कंपैरिजंस मेरे आउटफिट के बारे में मेरी जान सो दिस अ जर्मन डिज़ाइनर जिसकी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है पीछे से फ्रिल्स नज़र नहीं आ रही हैं उसके बिकॉज़ आई एम वेयरिंग अ जैकेट सो दिस अ ब्रांड कॉल्ड साइमन कार्टर उसने मुझे ब्रांड टी शर्ट भेजी है जैकेट भेजी है एंड आई एम वेरी हैप्पी ये पहन के ये जो मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं ये कहीं ना कहीं से शहद ले आएंगी सॉरी
भैया को यार स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, कपड़े नहीं दिखाता। हाँ ठीक है, लव यू पाजी, यहाँ पे आना। काफ़ी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिवलेज ऑनेस्टली टू बी इन द रूम फुल ऑफ दीज अमेजिंग ब्यूटिफुल टैलेंटेड पीपल। बहुत ही अच्छा आई थिंक इनिशिएटिव है ये अवार्ड्स, यू नो, अवार्डिंग फिल्म्स दैट आर मेड अंडर अ सर्टन बजट, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि कभी कभी फिल्म नीच फिल्म होती है, यू नो, वी काइंड ऑफ कंटेन द बजट फॉर अ रीज़न, क्योंकि हमें लगता है या यू नो द टाइटर यू मेक इट द मोर पॉसिबिलिटी फॉर इट टू डू वेल। But all these films you see like Razi, Stree, Badhai Ho, smaller budgets but also films that have gotten so much love commercially. So actually, you know, the truth is that a commercial film truly is just a story. Commercial film story hoti hai. Aur phir uske baad aage jo hota hai, hota hai. Arey, but abhi to shuru hui hai. Maine pehle bhi kaha, it's just begun. There's lots more to do, but yeah, it's any definitely started on a very very positive note. आप बुला सकते हो, मैं तो नहीं बुलाऊंगी खुद को। हाँ तो क्या बोलूँ मैं, झुमके के बारे में बहुत सुंदर हैं मेरे ख्याल से। मैं आज सब्यासाची पहन रही हूँ, उन्होंने पूरा लुक मुझे डिज़ाइन करके भेजा है। और हाँ मुझे अभी मज़ा आ रहा है, अभी साड़ी वाड़ी पहन रही हूँ, 26 ईयर्स की हो गई हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो गई, फर्स्ट क्लास गेटी में। हाँ वो बहुत ज़बरदस्त था ना, मुझे वही करना है एक्चुअली लाइफ में। I mean, there's the whole film where we're performing, so you will get to see that. Hopefully, that should be. But I think, as I said, it's as he said, अभी बस दूसरा song launch हुआ है, बहुत सारे गाने आने वाले, और the title track is going to be out soon, जो actually मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त track है, it's one of my favorite songs in the album. तो हाँ, मैं actually कलंक के बारे में बहुत बातें कर सकती हूँ। I think I'll always be try to be responsible as a citizen of India, whether I'm a big star or not. That to goes without saying, na, everybody should be a responsible citizen. Why just me? Done, thank you. Done. Come. So main kaam, ha, aap lana. Arey. Your first time visit.